अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी है यार। यूट्यूब पे कंटेंट कहाँ से ढूंढे, ठीक है, फेसलेस कंटेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार आप कार्टून्स अपलोड करके, ठीक है, किस तरह महाना लाखों में कमा सकते हैं। ठीक है, लोग भी कमा रहे हैं। लैपटॉप पर पहले प्रूफ दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि डोरेमोन कार्टून जो कि आजकल बहुत चलते हैं यार, अभी तक बड़े बड़े बंदे डोरेमोन कार्टून देखते हैं, ठीक है, तो वहां से कैसे डाउनलोड करने हैं आपने और कैसे उसको एडिट करना है, सारा आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। यार यहाँ पर आप, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ, यहाँ पर आपने यूट्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें यार साफ दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह लोग पैसे कमा रहे हैं लाखों लाखों, ठीक है। यहाँ पर आपने डोरेमोन यहाँ पर सर्च कर देना यूट्यूब पे, आपके जो भी फेवरेट कार्टून आप वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डोरेमोन सर्च करके मैं एंटर करता हूँ। यहाँ से आपने वीडियो कहाँ से पकड़नी है, ये जो आ रही है ना आपके सामने वीडियोस, ये देखें 6 लाख व्यूज, 44K व्यूज, इतने व्यूज भाई लोग ले रहे हैं, हर कोई वीडियो अपलोड कर रहा है डोरेमोन की, ठीक है। आपने भी करनी है, लेकिन वीडियो कहाँ से पकड़नी है, यहाँ पे फिल्टर्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्रिएटिव कॉमन्स के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। गौर से समझना कहाँ से आपने वीडियो पकड़नी है, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, फिर आप बाद में कहोगे ये तो चैनल मेरा बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जितनी भी वीडियोस है ना, इन वीडियोस को आप अपनी वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिल्मोरा पर ले जाता हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फिल्मोरा में, ठीक है। फिल्मोरा में अब जो मैंने डाउनलोड किया उसे मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट, यहाँ पर ये मैंने ड्रैग किया और इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। गौर से समझना मैं सारी एडिटिंग इसकी कैसे करूँगा, ठीक है। एक चीज भी यहाँ पे मिस की तो यार आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सिंपली ड्रैग और ड्रॉप कर लेना, मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने सबसे पहला जो इसका काम करना है वो ये करना है कि इसकी जो स्पीड है ना, प्लेइंग स्पीड है, इसकी स्पीड को आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। यूट्यूब की एक कंटेंट आईडी होती है, ठीक है, हर वीडियो की कंटेंट आईडी होती है, जिसकी वजह से यूट्यूब डिटेक्ट करता है आपकी वीडियो को कि आपने किसी की वीडियो पकड़ी है और उस पर स्ट्राइक या क्लेम दे देता है। तो आपने सबसे पहले इसकी थोड़ी स्पीड तेज या हल्की कर देनी है, थोड़ी स्लो कर दें वो ज्यादा बेहतर है, तेज करेंगे तो वो फिर यूजर को देखने में भी ना थोड़ा मसला होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड ना 90 पे कर देता हूँ, ज्यादा नहीं, ये ना हो कि ज्यादा स्पीड स्लो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लो कर दी, अब इसकी कंटेंट आईडी चेंज होगी, क्यों, इसमें मैंने चेंज ले आया हूँ, ठीक है। अब और भी चेंजेस लेके आएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी जो मेन चीज आपने करनी है, यहाँ पे गूगल पर आ जाना, गूगल पर आने के बाद आपने सर्च करना है ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड या कोई सा भी, रेड ब्लू कुछ कोई सा भी आप ले सकते हैं। अब ये हमने लगाना है इसके थोड़ा सा पीछे, ताकि इसकी कंटेंट आईडी मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगी यूट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा भाई कि किसी की वीडियो थी किसकी वीडियो थी, ठीक है, या आपकी अपनी वीडियो बन जाएगी, बस जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपने उस तरह एडिट करना है। यहाँ से मैं ये वाले बैकग्राउंड को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव एज मैंने कर लिया यहाँ पे अपनी पीसी में, ठीक है, सेव एज कर लिया। अब यहाँ पे ये सेव हो गया, अब इसके बाद इसको मैं इम्पोर्ट कर दूंगा फिल्मोरा पे, यहाँ से फिल्मोरा पे यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर दिया। अब इसके पीछे मैं कैसे लगाऊंगा इस चीज को, ये आपने गौर से समझना, आप कैपकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट भी जो आपको सही लगे, यही काम मोबाइल से भी हो सकता है, इसलिए आपने परेशानी होना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इसके नीचे, इसके नीचे जब ड्रैग करूंगा तो ये आ जाएगा इस चीज के नीचे, ये वाला मेरा आ गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल साइज कर लूंगा, ताकि जो बैकग्राउंड है मेरा पीछे नजर आए। इससे क्या होगा यार, आपका एक वीडियो में नई जो कंटेंट आईडी है वो ऐड हो जाएगी इस बैकग्राउंड की, जिसकी वजह से इस वीडियो का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पूरा कर दूंगा एंड तक, जहां तक वीडियो है, देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया इस वीडियो को। अब इसके बाद जो थर्ड मेन चीज आपने इसकी करनी है, वॉइस करना है, थोड़ी सी वॉइस आपने इसकी चेंज करनी है। वॉइस कैसे चेंज करनी है, फिल्मोरा में आपको बता रहा हूँ, इन शॉर्ट हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, एडजस्ट ऑडियो के ऑप्शन पे आ गया, आपने थोड़ी सी इसकी पिच, ठीक है, अगर आप इसकी पिच बढ़ाएंगे तो इसकी आवाज मेल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कम करेंगे तो फीमेल में कन्वर्ट होगी। आपने इसकी थोड़ी सी आवाज
कम करनी है, ठीक है, -1% करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी वरना आवाज खराब हो सकती है। यहाँ पे आप इसका जो क्लासिक रख सकते हैं या लो बेस रख सकते हैं, मैं क्लासिक रख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसकी थोड़ी सा साउंड चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ना पूरी ये वीडियो ना कॉपीराइटेड फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज हमने यहाँ पर मेन करनी है, जिसके बाद हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगी। वो क्या है, वो ये है कि हमने इसकी आवाज थोड़ी सी ऐसे बढ़ा देनी, ठीक है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज करना है। अब कलर कैसे चेंज करना है, आपने डबल क्लिक करना है वीडियो पर, ठीक है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा कंट्रास्ट तेज कर देना, ठीक है। देखें वीडियो का जो कलर है वो तेज हो रहा है थोड़ा सा। उसके बाद मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस भी यहाँ पर बढ़ा दूंगा, ठीक है। ब्राइटनेस भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी बढ़ा दी, और सैचुरेशन भी थोड़ी सी मैं बढ़ा दूंगा। इससे क्या होगा, वीडियो का थोड़ा कलर अच्छा भी हो गया पहले से, और चेंज भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम नहीं आएगा। अब हमारी वीडियो भाई साहब पूरी हो गई है तैयार। अब यहाँ से हम इसको सिंपली कर देंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर, आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह यार आप एडिट करोगे तो इनशाला आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एडिट इस तरह करनी है आपने, और फिल्टर्स में जाके क्रिएटिव कॉमन्स वाला ऑप्शन वो जरूर आपने सेलेक्ट करना है। तो ये थी यार आज की वीडियो, ठीक है। चैनल ओपन करो, डोरेमोन वीडियोस डालो, उसको मोनेटाइज करो और पैसे कमाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।